वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स और ये हमारा पार्ट टू ऑफ रेडसॉल आरटीपी प्रिंटर जो कि एक बिल या फिर एक रिसिप्ट प्रिंटर है। और इस वीडियो के दौरान हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे इस प्रिंटर को यूज़ करना है और इस प्रिंटर की स्पीड क्या है और इस प्रिंटर में किस किस तरह के रोल लगते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए। और नीचे कमेंट सेक्शन पे आप अपनी इंक्वायरीज भेज सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके इंक्वायरीज को अटेंड ज़रूर करेंगे। सो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे रेडसॉल आरटीपी 80 प्रिंटर से आप अपने बिल्स, एस्टिमेट्स, टोकन्स या फिर कोई भी दूसरे तरह के जो स्लिप्स होते हैं वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा PDF फाइल रेडी है और मैं इसे प्रिंट देने वाला हूँ। पर प्रिंट देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिंटर के अंदर पेपर कैसे लोड होता है और प्रिंटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने प्रिंटर को ऑन कर दिया। प्रिंटर ऑन होते ही यहाँ हमें दिखा रहा है एरर का सिंबल, कोई कुछ एरर नहीं है, बट यहाँ वो दिखा रहा है कि पेपर के सिंबल में प्रॉब्लम है और उसके लिए वो बीप साउंड दे रहा है। और पावर के सिंबल में ग्रीन है, इसका मतलब पावर सप्लाई एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ है फीड का बटन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर कैसे लोड करना है। तो यहाँ हमने ये बड़ा सा बटन प्रेस किया और ऐसे इसके हैंडल को ओपन कर लिया। जैसे ही हमने हैंडल को ओपन किया, यहाँ पे ये एरर बटन भी लाइट दिखा रही है कि भाई आपने ओपन तो कर दिया है बट पेपर नहीं डाला है। तो यहाँ हमारे पास इस प्रिंटर को लोड करने के लिए दो ऑप्शन है, ये है 3 इंच का प्रिंटर और 3 इंच का पेपर रोल, और ये है 2 इंच का पेपर रोल। ये एक स्पेशल क्वालिटी का क्रोमो पेपर होता है जिसमें थर्मल प्रिंटिंग हो जाती है, कई बार इसे हम लोग थर्मल रोल भी कहते हैं। अब हम इसे लोड करना कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ एक पार्टीशन है, ये पार्टीशन को हमने हटा दिया। जैसे हमने ये पार्टीशन को हटाया, इस पार्टीशन के बीच में 2 इंच का रोल आ जाता है कुछ इस तरह। ओके, एंड ये पार्टीशन आप जैसे ही हटाओगे ये प्रिंटर जो है 3 इंच के रोल के लिए कंपैटिबल हो जाएगा। ये हमने इस तरह से डाल दिया। आपको ध्यान रखना है कि रोल आपको उल्टा रखना है और पेपर का जो चिकना साइड है वो उसके बैक साइड में रहेगा, राइट, और जो थोड़ा सा रफ साइड है वो आपके सामने रहेगा। ऑलराइट, सो अब आपने इसको ऐसे कर दिया, आपने हैंडल को नीचे लिया और प्रेस कर दिया, और यहाँ मैं प्रिंटर को वापस ऑन कर रहा हूँ। तो इस केस में जहाँ आपका पेपर ऑलरेडी पहले से ही लोडेड है, आपका एरर सिंबल नहीं है, आपका पेपर का कोई प्रॉब्लम सिंबल नहीं है, आपका बस पावर सिंबल है और यहाँ पे एक फीड बटन है, तो ये दिखाता हूँ कि आपको ये फीड बटन दबाने से क्या होता है। पेपर हल्का सा ऊपर आ जाता है, प्रिंटर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, एक बार वापस रिकॉन्फिगर कर लेता है कि भाई पेपर बराबर लोडेड है या नहीं। और अगर ये फीड बटन दबाने से पेपर हल्के से ऊपर आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर इज़ परफेक्टली लोडेड। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रिंट करना है। मैंने कंट्रोल पी मारा और हमारे आरटीपी 80 प्रिंटर को सेलेक्ट कर लिया। इस आरटीपी 80 प्रिंटर को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही आसान है। इस प्रिंटर के अंदर ये बॉक्स, प्रिंटर अपने बॉक्स में आता है और इस बॉक्स के अंदर इसकी सीडी अवेलेबल होती है, और आप इस सीडी के अंदर से इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे इसको इंस्टॉल करने में। और यहाँ हम प्रिंट का ऑप्शन छोड़ रहे हैं। जैसे ही हमने प्रिंट का ऑप्शन छोड़ा, प्रिंट आ गया विद इन 1 सेकेंड, वेरी सिंपल। एक और बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि प्रिंट की स्पीड कितनी होती है। या मैंने एंटर, अब मैं यहाँ एंटर दबा रहा हूँ, बटन दबाया और बिल हाजिर। वेरी फास्ट, वेरी स्मूथ एंड परफेक्ट क्लैरिटी, परफेक्ट ब्लैक्स, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड बहुत ही वर्सेटाइल प्रिंटर है। 2 इंच और 3 इंच का पेपर रोल ये प्रिंट कर देता है। इसे अपने आप को प्रिंट करने के लिए किसी तरह की इंक रिबन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर जो है यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है, एक सेंसर की पूरी ट्रे है जो थर्मल पेपर के साथ कंपैटिबल है और उसके ऊपर इंक छोड़ देती है। एंड आप इसे लाइव लोड एंड अनलोड कर सकते हैं। 2 इंच और 3 इंच के लिए कंपैटिबल है, काफ़ी फास्ट प्रिंटर है, और इसकी जो ब्लेड है, शार्पनिंग ब्लेड भी बहुत ही फास्ट होती है। आप देख सकते हैं कि प्रिंटर बहुत ही बहुत ही बहुत ही फास्ट है। आप आइज ब्लिंक करेंगे तब तक तो प्रिंट भी आ जाएगा। दैट्स इट,
देखिए, एंड प्रिंटर जैसे ही प्रिंट होता है वो बीच में यहाँ एक सेंटर कट दे देता है, बस बस आपको इस तरह से करने की ज़रूरत है, वो अपने आप फट के हाथ में आ जाएगा, टूट जाएगा और एक छोटा सा कट छोड़ जाता है। एंड प्रिंटर यहाँ मैंने, आप देखेंगे कि प्रिंटर अपने आप इस तरह से यूनिफॉर्म लेंथ के प्रिंटआउट्स आ जाते हैं इसमें, एंड काफ़ी स्मूथ और ग्लॉजी क्वालिटी का पेपर हम आपको सप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद द प्रिंटर। एंड प्रिंटर को अपने आप में कोई रिबन की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप बहुत ही फास्ट अपना कोई रिटेल ऑफिस हो, सुपरमार्केट हो, कोई अपैरल या कपड़ों की दुकान हो, कोई किराना शॉप हो, या फिर कोई भी आजकल ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं आप, या फिर आपका कोई छोटा जेरोक्स शॉप हो, या कोई स्टेशनरी शॉप हो, रिटेल शॉप हो, या फिर किसी मॉल के अंदर आपकी ऑफिस हो, ये प्रिंटर आपके लिए परफेक्ट है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिटेल बिलिंग, रिटेल बिलिंग ओनली। सो ये था एक बेसिक आइडिया हमारे RTP-80 बिल प्रिंटर, या फिर मैं कहूँ रिसिप्ट प्रिंटर के बारे में। एंड अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि बिल प्रिंटर तो आ गया है, बट हमें इस तरह के कोई लेबल्स भी प्रिंट करने होते हैं, इस तरह के स्टिकर्स भी प्रिंट करने होते हैं, तो इस तरह का स्टिकर प्रिंट करने की भी हमारे पास TSC कंपनी की मशीन भी हम लोग सप्लाई करते हैं, और उसके बारे में वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन यहाँ ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक दे दूंगा। और ये प्रिंटर हमसे परचेज़ करने के लिए आप यहाँ नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए बिटवीन 11 AM टू 6 PM। थैंक यू।